लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, किसान सबसे ज्यादा त्रस्त वर्ग है, किसानों को सभी ने छला है, चाहे कांग्रेस का शासनकाल हो या बीजेपी का। इस बार किसान ऐसी सरकार चाहता है जो किसानों का सम्मान और फसलों का सही मूल्य दे। पूरे भारत का चुनाव होने जा रहा है और किसान डेढ़ साल के संघर्ष के बाद भी किसानों की फसल का जो एमएसपी का कानून है वो आज तक लागू नहीं हो पाया। एमएसपी का कानून मोदी जी ने वादा किया था कि बन जाएगा 4 महीने में, लेकिन वो कानून आज तक नहीं बना। और जब तक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य महंगाई के हिसाब से नहीं मिलेगा, किसान ऐसे ही आत्महत्या करता रहेगा, किसान ऐसे ही किसान के बच्चे खेती छोड़ते रहेंगे। तो किसान का जो आंदोलन का पूरा मूल मंत्र था वो सफल नहीं हो पा रहा। इसलिए लोकदल चाहता है कि आने वाले समय में एक विकल्प बनकर किसानों की आवाज़ देश की संसद में उठा सके। इसलिए लोकदल गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे एक आंदोलन छेड़ रहा है कि एमएसपी का मूल्य लागू नहीं होगा, तो किसान इस बार बहुत बड़ा बदलाव करेगा। तो हम निवेदन करते हैं केंद्र की सरकार से कि किसान को एमएसपी का मूल्य दे, उसको महंगाई के हिसाब से जैसा किसान की फसल का मूल्य बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ाए। किसान के बच्चों को कोई 6,000 रुपये नहीं चाहिए। अगर आप इतना काम कर दो केंद्र की सरकार, तो हम किसान की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि हर किसान परिवार आपको 6,000 रुपये साल अपनी तरफ से देगा। मोदी जी, हमें 6,000 रुपये अपमान निधि नहीं चाहिए।